नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मिक्स फ्राई दाल। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून मूंग दाल ली है, 4 टेबल स्पून तुवल दाल, 3 टेबल स्पून मसूर दाल, 3 टमाटर बारीक कटे हुए, 3 से 4 लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, आधा चम्मच हींग, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लंबा कटा हुआ, 2 हरी मिर्ची कटी हुई, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, थोड़े से मीठी नीम के पत्ते, नमक स्वाद के अनुसार। अब हम तीनों दालों को अच्छी तरह से धो लेंगे। अब हम दालों को अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे ताकि दाल अच्छी तरह से साफ हो जाए। मैंने दाल को 3 बार अच्छी तरह से धुल लिया है। अब मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 2 कप पानी डालकर इसे अच्छी तरह से बंद कर दूंगी और 2 से 3 सीटी आते तक इसे पका लूंगी। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। 3 सीटी आने के बाद अब हम गैस बंद कर देंगे और कुकर को नीचे उतार लेंगे। अब मैं कुकर खोलकर देख रही हूँ। देखिए, दाल अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ 1 कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डाला है। तेल जब हल्का गर्म हो जाए तब मैं इसमें तेज पत्ता डाल रही हूँ। तेजपत्ता के बाद जीरा और राई भुनने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची डालने के बाद अब हम इसमें लहसुन की कलियां डालेंगे। लहसुन की कलियां के बाद कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब इसमें हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे भून लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें इसे लगभग 1 मिनट तक भून लेना है। देखिए, प्याज भूनकर तैयार है। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे और इसे भी भून लेंगे। लाल मिर्च भूनने के बाद अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर के बाद अब हम इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक, लहसुन, प्याज और मीठी नीम के पत्ते का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी और भून लूँगी। हमें इसे लगभग मीडियम आंच पर 5 मिनट के लिए भूनना है ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से भून जाए। देखिए, सारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम इसमें पकी हुई दाल डालेंगे। और दाल डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 उबाल आने तक हम इसे पकने देंगे। देखिए, दाल में उबाल आ गई है। हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैं इसमें हरा धनिया और गरम मसाला डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। देखिए, दाल बनकर तैयार है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में सर्व कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और कटा हुआ अदरक डालकर इसे सजा लूँगी। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।